हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ अपने घर के जो लिविंग रूम है उसमें, और मम्मी है किचन में। और अभी मम्मी किचन में जो डिनर है उसकी तैयारी कर रही है। पापा आज बाज़ार से कुछ ग्रीन फेस लाए थे, वही मम्मी देख रही है कि क्या बनाएगी। तो यहाँ पे मम्मी ने कैप्सिकम लिया है, और फिर कैप्सिकम का जो पकौड़ी है वो बनाएगा पकौड़ा। और उसके बाद यहाँ पे जो ये साग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग सूखा टेंगा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको स्पैनिक डक बोलते हैं। तो उसका भी सब्जी बनेगा आज, खट्टा वाला। तो आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो लास्ट तक, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 8 बजे, और मम्मी यहाँ बारीक मतलब जो कैप्सिकम है उसका बीच में से काट के उसका जो बीज है वो निकाल रही है, क्योंकि इस जो इसका बीच में जो आलू का स्टफिंग होगा और फिर इसका जो पकौड़ा है वो बनेगा। तो आप लोग देखिए कैसे बनाते हैं ये पकौड़ा। यहाँ पे जो बीज है वो सबको अच्छे से निकालना है, क्योंकि बीज को नहीं निकालने से मतलब जो है थोड़ा सा तीखा तीखा हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा खा के, मतलब थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है इसीलिए। और अभी देखिए जो स्पेनिश डक है जिसको हम लोग सूखा टेंगा साग बोलते हैं, तो उसको मम्मी बारीक से काट लेगी, और उसके बाद यहाँ पे जो रेसिपी है वो बनेगा। और इसको हम तौक बोलते हैं क्योंकि इसमें चीनी ऐड होता है। और ये जो साग है ये विंटर के फर्स्ट में ही आ जाता है और समर के लास्ट में आता है, उगता है। और ये साग खाने में खट्टा होता है, उसका जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट होता है खट्टा वाला। तो इसलिए इसमें चीनी ऐड करके मम्मी बनाएगी जो टॉक है, और खा के बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारे घर में आता ही है ऐसे सीजन में ये साग। तो यहाँ पे मम्मी ने जो चावल है उसको डाल दिया है, और अभी प्याज को अच्छे से काट रही है क्योंकि स्टफिंग के लिए प्याज चाहिए होगा। तो यहाँ पे आलू जो है उसको बॉईल करके जितना भी मसाला है मम्मी ने इसको ऐड कर दिया है, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च हुआ, वो सबको अच्छे से आलू में ऐड करके ये जो आलू है उसको फ्राई कर लेगी प्याज के साथ। तो अभी ये जो है ये देखिए बेसन का लेप बना के रखे है, और एक कैप्सिकम है, और बेसन का जो लेप है उसको उसमें भी मसाला थोड़ा थोड़ा मिला के मम्मी ने डाल दिया है उसको एक साथ ही, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और जो काले मिर्च है और लाल मिर्च सब कुछ। और यहाँ पे कढ़ाई डाल दिया है, जो स्टफिंग है उसको फ्राई कर लेगी मम्मी। तो कढ़ाई में थोड़ा सा पानी था, तो पानी सूख जाने के बाद ही उसमें तेल ऐड हो जाएगा, और तेल जो मस्टर्ड ऑयल है उसको ऐड कर दिया देगी मम्मी। तो इसके बाद जो स्टफिंग है उसको वो बन जाएगा। तो स्टफिंग के लिए मम्मी ने छोटा मीडियम एक प्याज काटा था, तो वहाँ उसको ही मम्मी अभी तेल गर्म होने के बाद उसको डाल देगी। तो मस्टर्ड ऑयल को गरम होने के लिए बहुत टाइम लगता है, और यहाँ पे मम्मी ने प्याज जो है उसको डाल दिया है, और प्याज डालने के बाद उसको अच्छे से भून लेगी, और भूनने के बाद जो आलू है उसको यहाँ पे ऐड कर देगी। तो आज गुरुवार के दिन ऐसे ही सिंपल खाना ही बनता है और इजी ही बनता है सब कुछ। तो यहाँ पे जो है वो आलू को इतना भी नहीं भूनना है, बस ब्राउन होने तक भून लेना है उसका, बस स्टफिंग के लिए ही बन रहा है ये सब। और कैप्सिकम के अंदर में जाएगा ये, और उसके बाद जो कैप्सिकम है उसका पकौड़ी बनेगा बेसन के लेप के साथ। तो यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा तेल डाल के उसको भूना है, और अभी निकाल लेगी ये। और निकालने के बाद ये जो कढ़ाई है इसमें ही मम्मी तेल दे के जो स्पैनिक डक है उसका खट्टा वाला सब्जी बनाएगी, उसको हम टॉक बोलते हैं खट्टा सब्जी को। तो अभी यहाँ पे
तेल ऐड हो गया है मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल का जो तेल है वो पूरा नहीं गर्म होने से क्या होता है कि खाने में उसका स्मेल आ जाता है, इसलिए गर्म होना ज़रूरी है पूरा। तो यहाँ पे मम्मी ने हाथ में थोड़ा सा पाँचफूरन लिया है और पाँचफूरन को तेल गर्म होने के बाद ही उसमें डाल देगी। तो ये ऑलमोस्ट तेल गर्म हो चुका है, अभी डाल दिया है और थोड़ा सा चटक आने तक मम्मी देख लेगी, उसके बाद ये जो साग है उसको मम्मी डाल देगी। और आप लोग देखिएगा, डालते ही पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, ये जो साग है वो पूरा गल जाएगा, क्योंकि मम्मी ने जो है वो बारीक से काटा था उसको। और वैसे भी ये बहुत मतलब ये होता है कि ज़्यादा गल जाता है, वैसे ही साग है कोमल होता है ना, इसीलिए तो ये जो साग है खट्टा टेस्ट होता है, इसीलिए मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें जो चीनी है वो ऐड होगा। ये देखिए मम्मी थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड होगा, उसके बाद चीनी ऐड होगा, क्योंकि चीनी जो है वो खट्टापन को मतलब पूरा नहीं मिटाएगी लेकिन थोड़ा सा उसका अंदर में टेस्ट ला देगी। और ये जो सब्जी है टॉक है, ये खा के बहुत ही टेस्टी लगता है, पूरा मतलब राइस के साथ आप पूरा अच्छे से खा सकते हो, इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, आप लोग अचार के जैसा भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ऐसे ही बना के मतलब रख नहीं सकते, ये तो एक सब्जी हुआ तो रख नहीं सकती, लेकिन खा के ऐसे ही लगता है पूरा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है और हल्का हल्का लाइट लाइट मीठा मीठा, तो बहुत ही अच्छा लगता है इसको खा के। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर अब तक ट्राई नहीं किया है ऐसा कुछ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट बन चुका है, बस चीनी को गलने की देरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मम्मी जो है वो स्टफिंग को अच्छे से जो कैप्सिकम है उसमें डाल देगी, और डाल के उसमें बेसन का लेप लगा के सारे में तो उसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेगी, और ये जो हमारा डिनर का रूटीन है वो हो जाएगा आज के लिए। एकदम सिंपल सा है, आप लोग घर में बना के देख सकते हो। तो ये देखिए जो आलू है उसको अच्छे से मम्मी ने लगा लिया है अंदर में, कैप्सिकम के अंदर में, तो जितना भी काट के रखी थी मम्मी तो उसमें पूरा आलू लगा के फिर उसमें बेसन थोड़ा सा हल्का सा बेसन ही देके उसको फ्राई कर लेगी, और इसका जो है वो पकौड़ी बन जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए ऐसे ऐसे करके जितना भी है सब के ऊपर आलू डाल के फिर उसके ऊपर जो बेसन है उसका थोड़ा सा लेयर है उसका मतलब थोड़ा सा लगा के उसके बाद में तेल में पूरा अच्छे से फ्राई कर लेगी, और फ्राई जल्दी ही हो जाता है क्योंकि तेल पूरा गर्म है इसीलिए। और फ्राई करने के बाद यहाँ पे हमारा जो डिनर है आज का वो रेडी हो जाएगा। अभी सिर्फ 9:30 ही बजा है और हमारा घर का जो डिनर है वो रेडी हो चुका है। हम लोग 10 बजे डिनर करके फिर काम वाम करके 10:30 बजे तक अपने बिस्तर में आ जाते हैं और सो जाते हैं, और सुबह को जल्दी उठना पड़ता है इसीलिए। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा ब्राउन हो चुका है, और फिर इसको अच्छे से भून मतलब तलने के बाद तेल में उसके बाद डीप फ्राई करने के बाद उसको उठा लेगी, ये हो गया है। और बाकी का जितना भी है सबको अच्छे से मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा बेसन लगा लगा के उसको फ्राई कर लेगी। तो ये हुआ फ्राई, तो ये है रेडी हमारा डिनर, आप लोग देख सकते हो। ये है स्पेनिश तक का सब्जी और दाल, फिर ये जो है कैप्सिकम का जो पकोड़ा है वो, और ये राइस, सब कुछ हो गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।